सो वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ फेसेस. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन फेस में आपको क्या डिफरेंस फील हो रहा है, वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ फेसेस. ये आपको फेस जो है वो नॉर्मल लग रहा होगा, ये थोड़ा सा गोल सा फेस है, और ये फेस जो है वो लंबाई में जा रहा है. वो फेस जो कि लंबाई में जा रहा होता है और एलोंगेटेड फेस है विद रेफरेंस टू द हाइट एंड विड्थ रेशियो. अगर आप इसको गौर से देखें तो इसकी विड्थ जो है वो कम है और हाइट ज्यादा है. तो इसको हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जिसे कहते हैं डोलिको फेशियल. डोलिको फेशियल यानी कि लंबाई में वो ज्यादा है, और ब्रेकी फेशियल जो कि गोल चेहरा है. गोल चेहरे का मतलब क्या है कि अगर ये फेस देखें तो ये लंबाई में फेस कम है और दिस इज मोर इन द विड्थ. तो द टर्म इज यूज एज अ डोलिको फेशियल एंड दिस इज अ काइंड ऑफ अ रेफरेंस एज अ नॉर्मल फेस. अगर हम इसको रेडियोग्राफी के लिए असेस करें तो वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ फेसेस. वन इज अ नॉर्मल एंगल फेस एंड नॉर्मल फेस, एंड अदर इज द हाइपर डाइवर्जेंट एंड हाइपो डाइवर्जेंट. हाइपर डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है कि ये फेस जो है वो लंबाई या एलोंगेटेड फेस या डोलिको फेशियल उसमें जा रहा है. इसमें होगा क्या कि अगर हम क्रेनियल बेस या मैग्जिला के साथ देखें तो दो प्लेन्स में अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो आप क्या देखेंगे कि ये जो है वो अपर और नीचे ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है एज कम्पेयर टू कि क्रेनियल बेस, और ये ज्यादा डाइवर्ज नहीं कर रहा. तो हाइपर डाइवर्जेंट का मतलब क्या है कि क्रेनियल बेस और मैंडिबल प्लेन एक दूसरे से बहुत ज्यादा डाइवर्ज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो फेस है वो ज्यादा लंबाई में और एलोंगेटेड फेस आ रहा है. उसके मुकाबले में अगर आप इसको देखें तो इसका पैरेटल प्लेन या मैक्सिलरी प्लेन या मैंडिबल प्लेन जो है वो बिल्कुल एक नियर टू पैरेलल है, और वो डाइवर्जेंस उन प्लेन्स के दरमियान में कम है. दैट्स वाई वी आर गोइंग टू यूज द वर्ड हाइपो डाइवर्जेंट फॉर द पेशेंट हु आर विच आई यूज द टर्म ब्रेकिसेफेलिक. ब्रेकिसेफेलिक यानी कि जो फेस, जिस तरह मैंने अभी दिखाया था आपको, जो फेस चौड़ाई में ज्यादा है और जो है वो लंबाई में कम है, उनको लिए हमने टर्म यूज की थी ब्रेकिसेफेलिक. और डोलिकोसेफेलिक हमने यूज की थी फॉर द पेशेंट हु हैव इंक्रीज्ड हाइट ऑफ द फेस एंड डिक्रीज विथ ऑफ द फेस. सो वो डोलिको फेशियल या ब्रेकी फेशियल टाइप्स अगर हम साइड व्यू या एक्सरे में देखें तो वो इस तरीके से नजर आ रहा होगा. और हम उसके लिए एक और टर्मिनोलॉजी, मैंने अभी दो टर्मिनोलॉजीज आपके लिए आपके सामने प्रेजेंट की, एक डाइवर्जेंट एक हाइपर डाइवर्जेंट, जो कि डोलिको फेशियल फेस बना. इसमें जो है वो फेस लंबाई में ज्यादा है और जो है वो आपको एक एलोंगेटेड फेस मिलेगा. एक जो है हाइपर डाइवर्जेंट या हाइपो डाइवर्जेंट फेस डेवलप किस तरीके के साथ होता है कि डेवलप ऐसे होता है, एक तो जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस के अंदर होता है कि आप देखें कि दो बहन भाई हैं तो उनके फेस आपस में एक दूसरे से मिल रहा होगा. वो कैसे मिल रहा होता है कि उनकी जो है वो जेनेटिक पैटर्न जो है वो बिल्कुल एक जैसा ही एक दूसरे से मिलता जुलता होता है. दूसरा क्या है कि कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी उस पर अफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से वो शेप डिटर्मिन करते हैं. जैसे कि अगर हमने फंक्शनल प्राइंस दी तो लो एंगल पेशेंट है वो हाई में कन्वर्ट हो गया. अच्छा, इसमें एक तीसरे टर्म में मैं आपको यूज करता हूँ जो बहुत कॉमनली बोला जाता है, वो है लो एंगल या हाई एंगल. हाई एंगल इज अ वर्ड, जिस तरह हमने हाइपर डाइवर्जेंट की, तो हाई एंगल इज द टर्म यूज फॉर द डोलिको फेशियल एंड हाइपर डाइवर्जेंट फेस. तो ये तीनों चीजें जो हैं वो एक ही चीज है, हाइपर डाइवर्जेंट, डोलिको फेशियल या हाई एंगल फेस. इसको जो है वो हम कह सकते हैं कि दिस इज द हाई एंगल फेस विच इज अ डोलिको फेशियल एंड हाइपर डाइवर्जेंट. सिमिलरली इसको हम कहेंगे हाइपो डाइवर्जेंट को लो एंगल फेस, क्योंकि इसका एंगल पैलेटल प्लेन या एसएन प्लेन के साथ, जिन लोगों की सेफ में रोटेशन हो चुकी है उसका अंडरस्टैंड करेंगे, वो लो है. इनका एंगल पैलेटल या मैंडिबल प्लेन के साथ एंगल हाई है. ठीक है, इस वजह से हम इसको हाई एंगल या हाइपर डाइवर्जेंट या डोलिको फेशियल कह रहे हैं. सो टुडे वी विल डिस्कसिंग कि किस तरीके के साथ ऐसी रोटेशन या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती जा रही है कि जिसमें के वो हाई एंगल या हाइपर डाइवर्जेंट डेवलप कर रहा है. वो कैसे डेवलप करता है? वो इस तरीके के साथ डेवलप करता है कि उसके अंदर जॉ में डिफरेंट रोटेशंस हो रही होती हैं. वो रोटेशंस जो हैं वो किस तरीके के साथ स्टेब्लिश करेंगी कि पूरा फेस जो है वो हाई या लो एंगल बनेगा, वो हम आज बात करने जा रहे हैं. अभी तक बात की हाइपर डाइवर्जेंट, हाइपर डाइवर्जेंट, और उसके बाद हम बात करते हैं कि उनके डिफरेंट क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं. कोई भी हाइपर डाइवर्जेंट या लॉन्ग फेस या हाई एंगल की हमने बात की, उसका फेस जो है वो लंबाई में ज्यादा होगा तो उसके लिप इनकॉम्पिटेंट आपको मिलेंगे,
यू मे हैव अ सिचुएशन लाइक अ गमी स्माइल, जिस तरह के मसूड़े नजर आ रहे हैं, इनकॉम्पिटेंट लिप्स हैं, एंटीरियर ओपन ओपन बाइट जिसमें के सामने के दांत खुले हुए होते हैं, और वी कैन हैव अ वीक मस्कुलेचर, कि उसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स होंगी. ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा ब्रेकिसेफेलिक जो है वो एक गोल या चौकोर सा फेस है जो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, जो कि हाइपो डाइवर्जेंट या लो एंगल, और हाइपर डाइवर्जेंट इस तरीके से होगा. सो नाउ मूविंग ऑन, दिस इज अ लो एंगल फेस. नाउ मूविंग ऑन, हम इस वक्त यह पढ़ने जा रहे हैं कि वो जब जॉ ग्रो करेगा तो वो किस तरीके के साथ रोटेट करेगा. वी हैव डिस्कस के जब मैंडिबल ग्रो कर रहा है, इट्स नॉट ग्रोइंग इन अ वे कि ये मैंडिबल्स जस्ट साइज में जो है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है. ये हो क्या रहा है कि जब ये ग्रो कर रहा है तो दिस मैंडिबल इज रोटेटिंग. ये रोटेट कैसे कर रहा है कि जैसे जैसे ग्रो करता जा रहा है, इसने अपनी डायरेक्शन ऐसे लेनी है कि ये विद द ग्रोथ इसके अंदर मैंडिबल के अंदर रोटेशन आ रही है. सो नाउ मूविंग ऑन, कि इस रोटेशन को हम किस तरीके से पता करेंगे, हम कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर जो है वो विद द हेल्प ऑफ द ग्रोथ जो है वो रोटेशन आई है या नहीं आई. रोटेशन का मतलब क्या है कि जब मैंडिबल जो है वो साइज में इंक्रीज कर रहा है, तो इट्स नॉट लाइक दिस के गुब्बारे में हवा भरी और छोटा पहले साइज में था और वो साइज में बड़ा हो गया. इट इज ग्रोइंग इन अ वे कि ये ग्रो करते हुए या इस तरीके आगे की तरफ रोटेट कर रहा है या पीछे की तरफ रोटेट कर रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिसाइड कि वो दो टाइप की रोटेशंस जो हैं वो क्या हैं. जस्ट प्लेस योर फिंगर्स ऑन योर चिन, अपने चिन के ऊपर जो है वो सब बचे हाथ रखें. ठीक है, नाउ फील इट कि अगर तो आप अपने चिन को डाउनवर्ड और बैकवर्ड लेकर जाते हैं, तो जब वो डाउनवर्ड रोटेट कर रहा है तो वो सिर्फ वर्टिकल प्लेन में मूव नहीं कर रहा, बल्कि साथ साथ आपके हाथ जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है. सो मैंडिबल इज रोटेटिंग इन अ वे कि वो जब पीछे की तरफ जा रहा है तो चिन की पोजीशन जो है वो ऑटोमेटिकली सेजिटली भी चेंज कर रही है. अगर हम इसको दो प्लेन्स में ट्रेस करते हैं, दो प्लेन्स में हमने ट्रेस किया, एक है हमारा सेजिटल प्लेन जिसमें हम इसको ऐसे देख रहे हैं, और दूसरा है वर्टिकल प्लेन. वर्टिकल प्लेन इस डायरेक्शन में. ठीक है, इफ द चिन इज मूविंग बैकवर्ड, तो इनकी मॉर्फोलॉजी है वो इस तरीके से है कि इफ द चिन इज मूविंग बैकवर्ड, अपने जो फिंगर्स हैं वो चिन पर प्लेस करें, इफ द चिन इज मूविंग बैकवर्ड सो यू वुड बी फीलिंग कि आपका जो है वो चिन सेजिटल डायरेक्शन में है, वो पोस्टीरियरली जा रही है. सो दैट्स व्हाई वी यूज द टर्म डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड. डाउनवर्ड का मतलब क्या है कि वो चिन पीछे की तरफ जा रही है वर्टिकल प्लेन में, एंड बैकवर्ड का मतलब क्या है कि वो सेजिटल प्लेन में जो है वो पीछे की तरफ जा रही है. ठीक है, माय पॉइंट सो फॉर इज दिस कि जब मैंडिबल ग्रो कर रहा है तो वो ग्रो करते हुए रोटेट इस तरीके से करेगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है तो ये अपवर्ड या फॉरवर्ड ग्रो कर सकता है या डाउनवर्ड या बैकवर्ड ग्रो कर सकता है. इसी तरह आगे पीछे से भी पोस्टीरियरली भी ये डाउनवर्ड बैकवर्ड ग्रो कर सकता है या अपवर्ड ग्रो कर सकता है. इस चीज को असेस करने के लिए कि मैंडिबल ग्रो करते हुए किस तरीके से ग्रो कर रहा है, हम इसको ऐसे स्टडी करेंगे कि पहले हम किसी 4-5 साल के बच्चे का एक्सरे करा के देखा, साइड व्यू का एक्सरे करा के देखा, फिर हमने कई सालों के बाद दूसरा उसका एक्सरे करा के देखा, फिर कई सालों के बाद उसका तीसरा एक्सरे करा के देखा. तो डिफरेंट सालों के जो हम एक्सरेस करवाते जाएंगे उसमें मैंडिबल की पोजिशन को हम असेस करेंगे कि वो ग्रो करते हुए कैसे चेंज हुई. ठीक है, अब ये हम कैसे कर सकते हैं कि वी हैव टू हैव वी नीड अ काइंड ऑफ अ स्टेबल स्ट्रक्चर. स्टेबल स्ट्रक्चर वो होगा जो कि ग्रोथ के साथ जो है वो चेंज नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल के वी जो है वो डिफरेंट मैंडिबल को डिफरेंट प्रोसेसेस में डिवाइड कर सकते हैं. वन प्रोसेस इज द कोर ऑफ द मैंडिबल व्हिच इज अराउंड द इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, अदर प्रोसेसेस आर इन ऑन विच द मसल्स आर अटैच, जैसे कोंडाइलर प्रोसेस, कोरोनाइड प्रोसेस, मस्कुलर प्रोसेस या एल्वेलर प्रोसेस जिसमें टीथ इन्वॉल्व है. अब इशू क्या है कि जितने भी मस्कुलर प्रोसेस हैं या एल्वेलर प्रोसेस हैं, इनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो इम्पेयर्ड या जो है वो इन्फ्लुएंस्ड हो रही होती है बाय द फंक्शनैलिटी ऑफ द मसल्स. अब हुआ क्या कि अगर कोरोनाइड प्रोसेस के साथ जो मसल अटैच है उसका फंक्शनल जो है वो बहुत ज्यादा हो गया, तो हुआ क्या कि उसमें उसका उसकी शेप चेंज हो जाएगी. जिस तरह हम बात करते हैं कि द फंक्शन डिटरमिन्स द मॉर्फोलॉजी, हुआ क्या कि अगर तो किसी मस्कुलर प्रोसेस या फंक्शनल प्रोसेस, वो फंक्शनल प्रोसेस का मतलब क्या है कि जिनके साथ कोई ना कोई मसल अटैच है और उन मसल्स या उन प्रोसेस पे उस फंक्शनैलिटी चेंज होने की वजह से उनकी शेप चेंज हो सकती है, तो हुआ क्या कि आप ग्रोथ को स्टडी नहीं कर पाएंगे. क्यों स्टडी नहीं कर पाएंगे, उसकी वजह ये
कि आपका जो है वो वो उस प्रोसेस की ग्रोथ जो है वो तो इन्फ्लुएंस्ड हो रही है बाय द ग्रोथ ऑफ द मसल्स या टीथ, अगर एवियोलर प्रोसेस की बात करें। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, वी हैव टू डिसाइड व्हाट इज द कोर ऑफ द मैंडिबल। कोर ऑफ द मैंडिबल इज दिस कि जहां पर कोई फंक्शनल प्रोसेस अटैच नहीं, जिसकी ग्रोथ जो है वो सिर्फ उसके अपने ग्रोथ की वजह से हो रही है। सो मूविंग ऑन, हमने बात की व्हाट इज द कोर ऑफ द मैंडिबल, व्हाट आर द फंक्शनल प्रोसेस। फंक्शनल प्रोसेस आर दोस प्रोसेस जिनके साथ मसल्स अटैच हैं, इनकी ग्रोथ मसल्स की फंक्शनैलिटी चेंज होने की वजह से इनकी एक्टिविटी चेंज हो सकती है। अब हमें ये देखना है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें, हम ये देख रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर इस पिक्चर में ग्रोथ चेंजेस क्या आई और वो कैसे चेंज हुआ, तो हमें उसके लिए करना पड़ती है सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन का मतलब क्या है कि हमने एक एक्सरे जो कि डॉटेड लाइन में नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं 9 ईयर 6 मंथ पे हुआ, वो पहले एक्सरे है, फिर 12 मंथ ईयर्स पे एक्सरे हुआ, यानी कि कुछ सालों के बाद एक्सरे किया, तो एक एक्सरे के ऊपर दूसरे एक्सरे को रख कर, एक एक्सरे के ऊपर दूसरे एक्सरे को रख कर उसकी शेप में चेंजेस देखना ग्रोथ की वजह से, ये हम इसको कहते हैं सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन में हमने क्या किया कि एक सर्टन एक्सरे करवाया और कई सालों के बाद दूसरा एक्सरे करवाया और दोनों एक्सरे को ओवरलैप करके हम देख रहे हैं कि इनमें ग्रोथ की वजह से क्या चेंजेस आई। अब ये चेंजेस हम देखना चाह रहे हैं ऑन द कोर ऑफ द मैंडिबल, या वहां पर चेंजेस देखने के लिए हमें कुछ ना कुछ पिन इंसर्ट करनी थी, इम्प्लांट के मेटालिक पिन जो कि हमें एक्सरे के ऊपर बहुत इजीली विजिबल हो, ठीक है। उसके लिए अगर हमने वो पिन्स अटैच की ऑन द कोर ऑफ द मैंडिबल, क्योंकि कोर के ऊपर उसके फंक्शन की वजह से चीजें जो थी वो चेंज नहीं हो रही थी। अब हम आगे बात को लेके चलते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ रोटेशंस और वो चेंजेस कैसे उसमें आ रही हैं। तो पहले हम बात करें कि हाई एंगल या लो एंगल जो है वो किस तरीके से एस्टेब्लिश हुआ। हमने अभी तक कोर की बात की कि तो कोर ऑफ द मैंडिबल इज द एरिया ऑफ द मसल्स, जो एरिया ऑफ द मैंडिबल विच इज अराउंड द इंफेरियर मोलर, ये जो रोटेट कर रहा है इसके अंदर जो रोटेशन है, दिस इज द कोर ऑफ द मैंडिबल। इस कोर के अंदर जो रोटेशन है, दिस रोटेशन ऑफ द कोर ऑफ एनी मसल ऑफ एनी बोन इज कॉल्ड द इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन का मतलब क्या है कि हाउ डज द कोर इज रोटेटिंग विद द ग्रोथ ऑफ द बोन, ठीक है, दिस इज इंटरनल रोटेशन। और दूसरी हम आ जाती है एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन में क्या होता है कि जो है वो टूथ की अरप्शन के चेंजेस की वजह से या सरफेस चेंजेस की वजह से उसकी शेप चेंज हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के क्या हुआ कि अगर हम इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि विद द ग्रोथ ऑफ द मैंडिबल, जैसे 4 साल, 10 साल, 20 साल, ये सुपर इम्पोज एक्सरेज हैं। सुपर इम्पोज एक्सरेज का मतलब क्या है कि एक एक्सरे 4 साल की एज में हुआ, दूसरा 10 साल में हुआ, तीसरा जो वो 20 साल की हुआ, और इसमें आप क्या देख रहे हैं कि मैंडिबल इज द कोर ऑफ द मैंडिबल इज रोटेटिंग, लेकिन जो शेप में चेंज आई वो डिफरेंट आई, क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर वो डिफरेंट पैटर्न या डिफरेंट तरीके से रिजॉर्प्शन या डेपोजिशन हो रही है। सो फॉर द सिंपल मैसेज इज दिस कि अगर तो कोर ऑफ द बोन के अंदर रोटेशन आ रही है, तो दिस इज द इंटरनल रोटेशन। सरफेस चेंजेस या सरफेस मास्किंग की वजह से, रिजॉर्प्शन या डेपोजिशन की वजह से जो एड ऑन इफेक्ट होगा उस की फिनोटाइप में, या इंटरनल रोटेशन के इफेक्ट को सब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, तो दिस इज एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन का मतलब क्या है कि किस तरीके के साथ वहां पर रिजॉर्प्शन या डेपोजिशन हो रही है, तो इस तरीके को हम कहते हैं कि एक्सटर्नल रोटेशन। द चेंज इन द ओरिएंटेशन ऑफ द जॉ रिजल्ट फ्रॉम अ कम्बिनेशन ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन। हुआ क्या कि आपका जो है, अगर हम बात करें कि ये द कोर ऑफ द मैंडिबल है, ये अपवर्ड और फॉरवर्ड ग्रो किया, कोर ग्रो किया। अब उस मैंडिबल की जो शेप है वो ऐसे है, अगर तो यहाँ पर शेप के ऊपर यहाँ से रिजॉर्प्शन होना शुरू हो गई, तो जितना वो मैंडिबल आगे की तरफ मूव किया वो इफेक्ट आपको अपेरेंट नहीं होगा। यानी कि हुआ क्या कि जो कोर मूव किया या रोटेट किया, जो एक्सटर्नल रोटेशन है, रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन इज बेसिकली अ सरफेस रिमॉडलिंग। सरफेस रिमॉडलिंग का मतलब क्या है कि किसी जगह सर बोन जो है वो रिजॉर्ब हो रही है, या किसी जगह से बोन जो है वो डेपोजिशन हो रही है, तो इस डेपोजिशन या रिजॉर्प्शन ऑफ द बोन की वजह से उसकी शेप में चेंजेस आएंगी। वो शेप की चेंजेस जो हैं वो इंटरनल रोटेशन के ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट, यानी कि जितना भी इंटरनल रोटेशन की वजह से मूव किया था वो उसको
रिमूव या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स को, या उसमें एड ऑन भी कर सकता है। ये कोर ऑफ द मैंडिबल, ठीक है, अगर ये रोटेट कर रहा है अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है, तो इसकी शेप जो है कि मैंडिबल की जो ऐसे जा रही थी, ये मैंडिबल की शेप ऐसे हो जाएगी, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड चला गया ना, गॉट इट। यहां पर इस कोर के अंदर जो रोटेशन हुई, लेट से कि हम बात कर रहे हैं कि ये रोटेशन अपवर्ड हुई, तो चिन की पोजीशन ऐसे, जैसे मैंने आपके चिन पे हाथ रख के बताया था कि जब जब चिन अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करेगी तो वो आगे भी आ रही होगी, तो अपवर्ड एंड फॉरवर्ड आगे आने की वजह से ये कोर अगर ऐसे मूव किया तो ये मेंडिबल आगे की तरफ अपवर्ड एंड फॉरवर्ड आ गया। अब हुआ क्या कि दिस इज कॉल्ड द इंटरनल रोटेशन विच इज अकरिंग इन द कोर ऑफ द मैंडिबल, गॉट इट। अब हुआ क्या कि ये इसकी शेप है, ये इनमें प्लेन को ट्रे किया हुआ है। अब अगर कुछ ऐसा हो कि जो है वो कोर तो रोटेट कर रहा है ऐसे अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, तो ये नीचे से इस तरीके से आ रहा होगा, तो इसकी शेप जो है वो ऐसे हो जाएगी विद द इंटरनल रोटेशन, ठीक है, यहां से नीचे आ गया और यहां से ऊपर की तरफ चला गया। सो नाउ वी टॉक अबाउट द एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन क्या होता है कि यहां से बोन की रिजॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगी सरफेस के ऊपर। इंटरनल रोटेशन थी वो थी कोर के अंदर, जो एक्सटर्नल रोटेशन है वो है सरफेस रिमॉडलिंग या सरफेस के ऊपर रिजॉर्प्शन की वजह से। तो हुआ क्या कि जब आपके सरफेस के ऊपर रिजॉर्प्शन हुई, तो जो नेट इफेक्ट ऑफ द कोर के रोटेशन के जो इफेक्ट आया था वो उसका नेगेटिव इफेक्ट है। फॉर एग्जांपल कोर रोटेट किया अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, ये आगे की तरफ चला गया, और ये इसकी रोटेशन फॉर एग्जांपल द सेंटर ऑफ रोटेशन इज दिस, तो ये डाउनवर्ड आ गया। तो हुआ क्या कि ये चीज जो है वो मैंडिबल की इस तरीके से शेप बन गई। अब अगर यहाँ पर रिजॉर्प्शन होना शुरू हो जाए, इस जगह पर रिजॉर्प्शन होना शुरू हो जाए, तो होगा क्या कि अपेरेंट चेंज जो है जो इंटरनल रोटेशन की वजह से चेंज आई थी उसकी शेप में, उस इफेक्ट को कंसील या उसके रिमूव कर रहे हैं उस इफेक्ट को। सो मूविंग ऑन, हमने बात की कि इंटरनल रोटेशन क्या है विच इज अकरिंग इन द कोर ऑफ द मैंडिबल, एक्सटर्नल रोटेशन क्या है विच इज द सरफेस रिजॉर्प्शन और डेपोजिशन ऑन द सरफेस ऑफ द मैंडिबल विच मे हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द इंटरनल रोटेशन विच मे हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट। इस चीज को हम जज कैसे करते हैं? इस चीज को हम जज ऐसे करते हैं कि क्रीनियल बेस पे, जो इंटीरियर क्रीनियल बेस है एसएन प्लेन, उसका पेरिटल प्लेन के साथ क्या चेंज आ रहा है और उसका मैंडिबल प्लेन के साथ क्या चेंज आ रहा है। तो इसको हमने असेस या जज कैसे किया कि व्हाट आर द चेंजिंग अकरिंग बिटवीन द इंटीरियर क्रैनियल बेस टू द मैंडिबल प्लेन। अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मैंडिबल, तो मैंडिबल प्लेन और एसएन प्लेन यानी कि इंटीरियर क्रैनियल बेस के दरमियान इस एंगल में कितनी चेंजेस आई, इस चेंजेस या टोटल इफेक्ट जो आया, उस टोटल इफेक्ट को नाम दिया गया है टोटल रोटेशन का। सो अब हम बात करते हैं, देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ रोटेशन, वन इज अ नेगेटिव रोटेशन एंड वन इज अ पॉजिटिव रोटेशन। अगर तो आपका मैंडिबल ऐसे मूव कर रहा है कि अगर हम इसी पिक्चर के ऊपर आ जाते हैं कि इफ द चिन इज मूविंग अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जाएगा, तो अगर ये चिन जो है वो इस तरफ आगे की तरफ जा रही है, तो ये क्या है कि ये अपवर्ड मूव कर रहा है। जब ये अपवर्ड मूव करेगा तो ये फॉरवर्ड मूव भी करेगा, सेजिटल प्लेन में फॉरवर्ड मूव कर रहा है और वर्टिकल प्लेन में अपवर्ड मूव कर रहा है। सो नाउ वी हैव टू काइंड ऑफ रोटेशंस, वन इज द अपवर्ड एंड फॉरवर्ड रोटेशन एंड द अदर इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट, वन इज द डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। जब मैंडिबल जो है वो डाउनवर्ड पीछे की तरफ जा रहा है तो वो बैकवर्ड भी जा रहा है। जस्ट प्लेस द फिंगर ऑन द चिन एंड फील इट कि जब व्हेन यू ओपन इट, कि जब मैंडिबल डाउनवर्ड जा रहा है तो वो आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता आपका हाथ सेजिटल यानी एंटरपोस्टीरियर प्लेन में पीछे की तरफ जा रहा है। तो डाउनवर्ड या बैकवर्ड रोटेशन को नाम दिया उन्होंने, एक टर्म दी जिसको नाम उन्होंने पॉजिटिव रोटेशन। पॉजिटिव रोटेशन का मतलब क्या है कि डाउनवर्ड या बैकवर्ड रोटेशन ऑफ द मैंडिबल इज कॉल्ड द पॉजिटिव रोटेशन ऑफ द मैंडिबल। इफ द मैंडिबल इज मूविंग अपवर्ड एंड फॉरवर्ड तो नाम दिया गया नेगेटिव रोटेशन। अब अगर जो हमने बात की कि नेगेटिव रोटेशन क्या है कि जिसमें कि ये अगर आप पढ़ सकते हैं कि नेगेटिव रोटेशन क्या है कि जिसमें कि जॉ जो है वो आगे की तरफ आ रहा है, और पॉजिटिव रोटेशन क्या है जिसमें कि डाउनवर्ड बैकवर्ड जा रहा है। अब ये जो है वो दो जगहों पे हो सकती है। अगर हम बात करें कि नेगेटिव रोटेशन की, तो वो रोटेशन जो है
हो सकती है या कॉन्डाइल पे, कि पूरा का पूरा मैंडिबल, लेट्स हमने बात की मैंडिबल इज मूविंग अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, सो व्हाट कुड बी द सेंटर रोटेशन. सेंटर रोटेशन का मतलब क्या है कि वो कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जिसके अराउंड अ बोन इज अपेयरिंग टू बी मूविंग. अपेयरिंग टू बी मूविंग क्या है कि इनिशियल पोजिशन ली, फाइनल पोजिशन ली, और आपने देखा कि वो किस एक्सिस के ऊपर मूव कर रहा है. मतलब वेरी सिंपल, आपको फिजिक्स से कॉन्सेप्ट होगा कि इफ द सेंटर ऑफ रोटेशन इज द कॉन्डाइल, तो इसकी मूवमेंट का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होगा, ये अपवर्ड या फॉरवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड बैकवर्ड जा सकता है. ठीक है, कि सेंटर ऑफ रोटेशन के जिसमें इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन के हिसाब से आप एक ज्योमेट्रिकल सेंटर लिया, कि इसके अराउंड अराउंड दिस पॉइंट द बोन्स आर अपीयरिंग टू बी मूविंग, तो दिस इज द सेंटर रोटेशन. ओके, मूविंग ऑन, यहाँ पर इस एक जगह पर हुई रोटेशन अराउंड द कॉन्डाइल. दूसरा है कि सेंटर रोटेशन, इफ द सेंटर रोटेशन इज इन द विद इन द बॉडी ऑफ द मैंडिबल, तो उसको उन्होंने नाम दिया इंट्रामैट्रिक्स, इंट्रामैट्रिक्स रोटेशन. दो टाइप की रोटेशन है, अगर तो रोटेशन हो रही है अराउंड द कॉन्डाइल, इस तरीके से ग्रोथ रोटेशंस हो रही हैं कि अराउंड द कॉन्डाइल जो है वो द मैंडिबल इज अपेयरिंग टू बी मूविंग, चाहे वो अपवर्ड या फॉरवर्ड है जिसको हमने नाम दिया नेगेटिव रोटेशन का, या डाउनवर्ड या बैकवर्ड है जिसको हमने नाम दिया पॉजिटिव रोटेशन का. इफ द सेंटर ऑफ द रोटेशन इज एट द कॉन्डाइल, तो हमने उसको नाम दिया मैट्रिक्स रोटेशन. ठीक है, इफ द सेंटर ऑफ रोटेशन इज इन द बॉडी ऑफ द मैंडिबल देन वी विल कॉल इट एज द इंट्रामैट्रिक्स रोटेशन. वी हैव यूज डिफरेंट टर्मिनोलॉजी. एक्चुअल स्टडीज हमने बात की, बयॉर्क ने की, उसने बात की कि उसने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज की थी. हम इस वक्त प्रॉफिट ने उसके टर्मिनोलॉजी को बिल्कुल सिंपल यूज कर दिया. द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आर बयॉर्क, सोलर, ह्यूस्टन या प्रॉफिट है. तो वो रोटेशन ऑफ द कोर रिलेटिव टू द क्रेनियल बेस इज द इंटरनल रोटेशन. के क्रेनियल बेस और कोर के दरमियान जो एंगल चेंज होने जा रहा है वो इंटरनल रोटेशन को उसने नाम दिया. और इसको हम बेसिकली नाम को ये है कि हम उसको किस तरीके के साथ मैयर करते हैं. अगर हमने सिर्फ इंटरनल रोटेशन को मैयर करना है तो रोटेशन कैसे हो रही है कि द रोटेशन ऑफ द मैंडिबुलर कोर रिलेटिव टू द क्रेनियल बेस इज द इंटरनल रोटेशन. ठीक है, अब अगर हमने बात करनी है कि एक्सटर्नल रोटेशन को कैसे मैयर करते हैं, तो वो है द रोटेशन ऑफ द मैंडिबुलर प्लेन रिलेटिव टू द कोर ऑफ द मैंडिबल. ठीक है, दिस इज द एक्सटर्नल रोटेशन. अगर आप इस पिक्चर में आप आए तो देखें कि एक्सटर्नल रोटेशन को आपने कैसे मेजर करना है, या क्या है कि ये क्रेनियल बेस और कोर के दरमियान जो एंगल में चेंजेस आएंगे, दिस इज द इंटरनल रोटेशन. मैंडिबुलर प्लेन और कोर ऑफ द मैंडिबल के दरमियान इस एंगल के अंदर जो चेंजेस आएंगे सरफेस चेंजेस की वजह से, दिस इज द एक्सटर्नल रोटेशन, जो कि आप मेजर करते हैं कोर ऑफ द मैंडिबल और इस पे सरफेस चेंजेस की वजह से. एंड टोटल रोटेशन क्या है कि जो अपेरेंट चेंज हो रही है, जो कि एंटीरियर क्रेनियल बेस और मैंडिबल प्लेन के दरमियान में जो चेंजेस आएंगे. आगे हम बात करते हैं कि एक एवरेज आदमी में जिसमें के नॉर्मल एंगल होता है, इसमें बात करें तो 10 से 15 डिग्री की जो है वो इंटरनल रोटेशन होती है. ठीक है, लेट्स से अगर हमने बात की कि 4 साल की एज से लेकर एडल्टहुड तक इफ देयर आर 15 डिग्रीज ऑफ द इंटरनल रोटेशन, तो उस 15 डिग्रीज की इंटरनल रोटेशन में अराउंड 25% ऑफ द रोटेशन इज अराउंड द कॉन्डाइल. इस कॉन्डाइल के अराउंड द रोटेशन को हमने नाम दिया था मैट्रिक्स रोटेशन. एंड द रोटेशन विच इज अकरिंग विद इन द बॉडी ऑफ द मैंडिबल विच इज अराउंड 75%. प्लीज मेमोराइज दीज फिगर्स कि इन अ नॉर्मल एंगल पेशेंट जो कि इन द एवरेज अमाउंट ऑफ द रोटेशन इज अराउंड 15 डिग्रीज, 15 डिग्रीज ऑफ द इंटरनल रोटेशन, आउट ऑफ विच 25% ऑफ द रोटेशन इज अकरिंग एट द कॉन्डाइल विच वी कॉल इट एज द मैट्रिक्स रोटेशन. एंड इंट्रा मैट्रिक्स रोटेशन इज अकरिंग इन द कोर विद इन द बॉडी ऑफ द मैंडिबल दिस इज दैट इज 75%. जो 15 डिग्री की इंटरनल रोटेशन आई, जो टोटल रोटेशन आई अपेरेंट जो आउटसाइड ऑब्जर्वर के लिए, सर सेंटेंसेस ये प्रॉफिट के सेंटेंसेस हैं, इसको आप गौर से पढ़ें, विच इज अराउंड 2 to 4 डिग्री. 2 to 4 डिग्री इज द रिजल्टेंट रोटेशन. हुआ क्या कि जो 15 डिग्री की इंटरनल रोटेशन हुई, ठीक है, वो मास्क हो गई बाय द एक्सटर्नल रोटेशन. गॉट इट? कि 15 डिग्रीज की जो इंटरनल रोटेशन आई, वो इंटरनल रोटेशन 15 डिग्री थी, एक्सटर्नल रोटेशन जो कि उसके बिल्कुल ऑपोजिट थी, जो उसके रिजल्ट को कम कर रही थी. अगर वो 10 से 11 डिग्री या 12 डिग्री थी, तो उसने जो आउटवर्ड या जो रिजल्टेंट
दिया वो था 2 to 4 degree. हुआ क्या कि इट्स मीन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लोअर बॉडी ऑफ द मैंडिबल मस्ट बी इन एरिया ऑफ द रिजॉर्प्शन व्हाइल द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लोअर बॉडी रिमेन अनचेंज्ड. ठीक है, तो ये इसमें हुआ. सो नाउ मूविंग ऑन टू द मैक्सिला. मैंडिबल पे हमने क्विकली चार पांच बातें की. फॉर एन एवरेज इंडिविजुअल देर इज 10 to 15 degrees ऑफ द इंटरनल रोटेशन. अगर हम लेट से बात करते हैं 15 degrees की इंटरनल रोटेशन में, जो कि विच इज विच वी आर मेजरिंग फ्रॉम द एज 4 to adulthood, आउट ऑफ विच 25% ऑफ रोटेशन इज अकरिंग एट द कॉन्डाइल विच इज द मैट्रिक्स रोटेशन एंड 75% ऑफ रोटेशन इज अकरिंग विद इन द बॉडी ऑफ द मैंडिबल विच इज द इंट्रा मैट्रिक्स रोटेशन. सो आउट ऑफ 15 degrees ऑफ द इंटरनल रोटेशन ओनली वी गेट 2 to 4 degree ऑफ द रोटेशन विच वी कैन ऑब्जर्व एज अ टोटल रोटेशन. तो हुआ क्या, इट्स मीन के 10 से 11 degree की आपके पास एक्सटर्नल रोटेशन थी जिसने कि उसके इफेक्ट को मास्क किया. अगर इंटरनल रोटेशन इज मोस्ट ऑफ द टाइम इज नेगेटिव, पॉजिटिव रोटेशन भी हो सकती है इन केस ऑफ पैथोलॉजी, यानी कि मैंडिबल डाउनवर्ड या बैकवर्ड जा सकता है जिसको हम पॉजिटिव रोटेशन कहेंगे. बट दिस हैपेंड इन द केस ऑफ पैथोलॉजी, कोई कंडाइलर फ्रैक्चर है, कोई ट्रॉमा है. एवरेज नॉर्मली क्या होती है, वो नेगेटिव डिग्री की नेगेटिव रोटेशन हो रही होती है, जिसको मतलब है नेगेटिव का मतलब है अपवर्ड एंड फॉरवर्ड. ठीक है, सो मूविंग टू द मैक्सिला. मैक्सिला में जो है दिस इज लेस डिफिकल्ट टू डिवाइड, दिस इज लेस इजी टू डिवाइड द मैक्सिला इनटू कोर एंड अदर प्रोसेसेस. अगर हमने बात करें कि क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग जो एल्वियोलर प्रोसेस है दीज आर सर्टनली अ फंक्शनल प्रोसेस इन अ क्लासिकल वे, बट देर आर नो मसल अटैच एनालॉगस टू द मैंडिबल. ठीक है, तो दूसरी उन्होंने बात की कि कोर ऑफ द मैक्सिला जो है वो विच इज द पैलेटल प्लेन. तो इसकी रोटेशन को हम ऑब्जर्व कैसे कर रहे हैं, क्रेनियल बेस और पैलेटल प्लेन में चेंजेस की वजह से. जिस तरह हमने कहा कि जो नॉर्मल फीचर ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वो नेगेटिव रोटेशन है, तो हो क्या रहा है, तो इसी बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो मैग्जिला इज मूविंग हैविंग नेगेटिव रोटेशन. ये अगर ये प्लेन आ रहा है तो नेगेटिव रोटेट करने की वजह से ये अपवर्ड एंड फॉरवर्ड जा रहा होगा. इस तरह मैंडिबल में नेगेटिव रोटेशन का मतलब क्या था, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड. तो इफ दिस मूविंग मैग्जिला इज मूविंग अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, तो इसका पैरेटल प्लेन वुड बिकम टिप डाउन. टिप डाउन मतलब कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा और पोस्टीरियर पार्ट विल बी गो डाउन. तो व्हाट व्हाट इज हैपनिंग कि देयर इज दिस रिजॉर्प्शन अकरिंग ऑन द नेजल साइड. एज यू आर अवेयर ऑफ द रिमॉडलिंग पैटर्न, इफ द रिजॉर्प्शन इज अकरिंग ऑन द नेजल साइड, बिकॉज नेजल साइड पर रिजॉर्प्शन तो वैसे ही रिक्वायरमेंट है क्योंकि आपको नेजल कैविटी का साइज इंक्रीज करना है फॉर द इंक्रीज डिमांड ऑफ द ब्रीदिंग एंड फॉर द एयरवे. सो द पैरेटल प्लेन नेगेटिव रोटेशन की वजह से अपवर्ड एंड फॉरवर्ड आगे मूव कर रहा था, बट जो इंटरनल रोटेशन की वजह से ऐसे हो गया, लेकिन एक्सटर्नल रोटेशन यानी कि रिजॉर्प्शन की वजह से नेजल साइड से रिजॉर्व करके उसका इफेक्ट वापस आ गया. टेक होम मैसेज क्या है कि जितनी इंटरनल रोटेशन हुई थी उतनी ही एक्सटर्नल रोटेशन यानी सरफेस रिमॉडलिंग ऐसे हुई कि वो वापस उस में शेप में आ गया. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द मैक्सिला. मैक्सिला में सिंपल ये बात है कि जितनी इंटरनल रोटेशन हुई थी उतना ही एक्सटर्नल रोटेशन हुई. मैंडिबल में मैक्सिला में क्या हुआ कि इंटीरियर प्लेन जो है वो अपवर्ड गया, नेगेटिव रोटेट किया, लेकिन उसके अपर बॉर्डर पे नेजल साइड से रिजॉर्प्शन हुई तो वो वापस उस शेप में आ गया. तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट हैपेंस इन दी लो एंगल पेशेंट एंड इन दी हाई एंगल पेशेंट. सिंपल मैसेज क्या है कि जो शॉर्ट फेस यानी कि जो लो एंगल पेशेंट या हाइपोडाइवर्जेंट फेसेस हैं उनमें क्या होता है कि आपकी जो इंटरनल रोटेशन है वो ज्यादा है. अभी जो हमने पहले पढ़ी थी कि 15 डिग्री और ये सारे चेंजेस है, वो दैट वाज फॉर द एवरेज पर्सन, बट वी हैव डिफरेंट जी एवरेज काइंड ऑफ पेशेंट. बट यहाँ पर क्या है कि वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ द फेसेस, शॉर्ट फेसेस. तो शॉर्ट फेसेस में क्या हो रहा है कि उसका शॉर्ट फेस बना कैसे, ऐसे बना कि उसका मैंडिबल प्लेन जो है वो अपवर्ड एंड फॉरवर्ड आ गया, तो उसकी लोअर फेशियल हाइट, उसकी फेस हाइट जो है वो कम हो गई. ठीक है, तो जब वो आगे की तरफ आया तो वो डीप बाइट में चला गया. देखो ना, दांत उसके साथ अटैच है. इफ द मैंडिबल इज मूविंग अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, तो अपवर्ड एंड फॉरवर्ड आने की वजह से उसकी टीथ जो है वो ज्यादा डीप बाइट में चले गए थे. और होगा क्या कि वो स्क्वेरिश फेस में चला जाएगा. क्यों स्क्वेरिश फेस में चला जाएगा, कि यहाँ पर उसका सेंट्रल रेजिस्टेंस था जिसको हमने इंट्रा मैट्रिक्स रोटेशन का नाम दिया. तो इफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द मैंडिबल इज मूविंग अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, एंड पोस्टीरियर पार्ट वुड बी मूविंग स्लाइटली डाउनवर्ड. हो क्या रहा है शॉर्ट फेस टाइमिंग में, इन सिंपल वर्ड एक जुमला बोलूंगा कि सरफेस रिमॉडलिंग बहुत कम हो रही है. पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एंगल के ऊपर, एंगल ऑफ द मैंडिबल के ऊपर जो रिजॉर्प्शन है
वो बहुत कम हो रही है जो इंटरनल रोटेशन के इफेक्ट को मास्क या कंपनसेट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो इंटरनल रोटेशन थी वो टोटली टोटली एक्सप्रेस्ड हो गई विदाउट विदाउट द रिजॉर्प्शन ऑफ द मैंडिबल ऑन द लोअर बॉर्डर विच इज द एक्सटर्नल, विदाउट एक्सटर्नल रोटेशन टोटल इंटरनल रोटेशन एक्सप्रेस हो गई जिसकी वजह से शॉर्ट फेस बना। ठीक है, एग्जैक्टली उसके अपोजिंग सिचुएशन देखते हैं कि लॉन्ग फेस में क्या हुआ कि लॉन्ग फेस में जो वो है कि एंटीरियर क्रैनियल बेस और लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल में, यहाँ क्या हुआ कि इंटरनल रोटेशन बहुत कम है, एक्सटर्नल रोटेशन यानी कि सर्फेस रिमॉडलिंग सर्फेस रिजॉर्प्शन जो है वो ज्यादा हुई और जो है वो पेशेंट जो है वो डाउनवर्ड बैकवर्ड रोटेशन जो है वो ज्यादा हुई, इंटरनल रोटेशन कम हुई, दैट्स वाई जो है वो हाइपर डाइवर्जन एक फेज डेवलप हुआ। ठीक है, सो नाउ वी टॉक अबाउट कि व्हाट वुड बी द इंटरेक्शन, व्हाट वुड बी द इंटरेक्शन ऑफ द ग्रोथ रोटेशन एंड प्रोपरप्शन। कि अब आपके पास एक बात यह है कि द टीथ आर अटैच विद इन द बोन, बोन के अंदर अटैच है ना टीथ। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में जैसे जैसे जो है वो बोन रोटेट करेगी उसी तरीके के साथ जो है वो टीथ ने भी मूव करना है। गॉट इट? तो इफ आई से द मैक्सिला इज मूविंग, मैक्सिला इज हैविंग अ नेगेटिव रोटेशन, तो मैक्सिला के नेगेटिव रोटेशन का मतलब क्या होगा कि द इंटीरियर पार्ट इज मूविंग अपवर्ड। इफ द इंटीरियर पार्ट इज मूविंग अपवर्ड तो दिस विल प्रोक्लाइन द अपर इंसाइजस। कैसे? अगर आप मेरे हाथ को जरा गौर से देखें, ठीक है, तो दिस इज द पैरेटल प्लेन एंड दिस इज द अपर इंसाइजस। तो जैसे जैसे आपका नेगेटिव रोटेशन हुई और एंटीरियर पार्ट ऑफ द पैरेटल प्लेन इज मूविंग अपवर्ड, तो एंटीरियर पार्ट ऑफ द पैरेटल प्लेन इफ यू आर लुकिंग एट माय हैंड, तो इफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पैरेटल प्लेन इज मूविंग अपवर्ड तो दिस विल चेंज द पोजिशन एंड इंक्लिनेशन ऑफ द अपर इंसाइजस। सो अपर इंसाइजस जो हैं उनकी जो पोजीशन या उनकी प्रोमिनेंस है वो बढ़ती चली जा रही है। द ग्रोथ रोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चेंजिंग फॉर डिटरमिनिंग द पोजीशन ऑफ द टीथ। कैसे? क्योंकि अगर जो है वो नेगेटिव रोटेशन हो रही है द मैक्सिला इज मूविंग अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, सो दिस इज प्रोक्लाइनिंग द अपर इंसाइजस जो इसके साथ अटैच है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये आपका पैरेटल प्लेन है और ये आपके इंसाइजस लगे हुए हैं। अगर इसके अंदर रोटेशन ऐसे हो रही है कि द पैरेटल प्लेन इज मूविंग अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, तो ये अपवर्ड एंड फॉरवर्ड इधर चला गया तो इंसाइजस इस जगह पे आ गए, तो दिस हैज चेंज द पोजीशन ऑफ द इंसाइजस एंड इट हैज मेक इट मोर प्रोमिनेंट। वाइस वर्सा सिचुएशन में अगर ये पैरेटल प्लेन और ये अपर इंसाइजस हैं, इफ दे आर नेगेटिव रोटेशन के पैरेटल प्लेन से जो है वो पहले इस तरीके से था, वो नेगेटिवली रोटेट करके इस तरह से आ गया, तो इंसाइजस जो लगे हुए थे वो पहले इस जगह पे थे और अब फिर इस जगह पे आ गए, सो द इंसाइजस हैज रिट्रोक्लाइंड एंड डीप बाइट या ज्यादा पीछे की तरफ चले गए बिकॉज ऑफ द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द जॉ। सो ये हुआ। साथ में अगर हम इसको मैंडिबल को इसमें देखें तो इसमें ना दो टाइप की मूवमेंट होती है, एक है ट्रांसलोकेशन जो अभी मैंने बताई कि जिसमें कि क्रैनियल बेस के साथ अगर हम उसे असेस करें तो ट्रांसलोकेशन एज द टूथ मूव अलोंग विद द जॉ, जिसकी मैंने अभी मिसाल दी कि ये रोटेशन में इफेक्ट करते हैं। द अदर इज द ट्रू इरप्शन, तो इसमें ऑलमोस्ट हाफ ट्रांसलोकेशन कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टोटल मैक्सिलरी टूथ मूवमेंट ड्यूरिंग द एडोलेसेंस ग्रोथ। गॉट इट? कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द जो पोजीशन चेंज हो रही है वो हो रही है बिकॉज ऑफ द ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन इज द मूवमेंट ऑफ द टीथ अलोंग विद द जॉ। ठीक है, एंड दिस इज डिफरेंट एज कम्पेयर टू द ट्रू इरप्शन। ट्रू इरप्शन इज द मूवमेंट ऑफ द टूथ विद रेफरेंस टू द जॉ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो मैक्सिलर मैंडिबल की डाउनवर्ड या पॉजिटिव या नेगेटिव रोटेशन की वजह से टूथ की पोजीशन भी चेंज होती चली जा रही है। सो इफ वी टॉक अबाउट द मैंडिबल, कैन यू सी माई हैंड? ठीक है, इफ द मैक्सिला इज मूविंग अपवर्ड एंड फॉरवर्ड तो क्या हुआ कि टीथ की प्रोमिनेंस जो है वो चेंज हो गई, दिस इज द ट्रांसलोकेशन, और डाउनवर्ड या बैकवर्ड गया तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई। सो नाउ कम टू द मैंडिबल, मैंडिबल में लोअर इंसाइजस आर अटैच्ड लाइक दिस। ठीक है, इफ द मैंडिबल इज मूविंग अपवर्ड एंड फॉरवर्ड तो दिस विल ब्रिंग द लोअर इंसाइजस अपवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड दिस विल रिट्रोक्लाइन द लोअर इंसाइजस। फॉर एग्जाम्पल द लोअर इंसाइजस आर अटैच विद द मैंडिबल लाइक इन दिस वे, इफ यू कैन सी माई हैंड। इफ द मैंडिबल इज मूविंग अपवर्ड एंड फॉरवर्ड सो दिस इज रिट्रोक्लाइनिंग द इंसाइजस, सो दिस इज रिट्रोक्लाइनिंग द इंसाइजस। ओके, ठीक है, क्योंकि इसकी पोजीशन को चेंज करते चले जा रहे हैं।
और जब रेट्रोक्लाइन करेंगे तो इसमें क्राउडिंग आ जाएगी और उसमें कहाँ तक है, और जो मोलर हैं वो आगे की तरफ आ जाएंगे क्योंकि इसकी जॉ की पोजीशन ऐसे चेंज कर रही है कि विद द नेगेटिव रोटेशन, नेगेटिव रोटेशन मीन के द मैंडिबल इज मूविंग अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, तो द लोअर इंसाइजेस आर गेटिंग रेट्रोक्लाइन एंड दे आर बिकमिंग अपराइट. पहले अगर इस तरीके से था द मैंडिबल हैज मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, तो द लोअर इंसाइजेस हैव बिकम नाउ अपराइट. ओके, एंड दे आर गेटिंग रेट्रोक्लाइन विद द रोटेशन ऑफ द मैंडिबल, और पोस्टीरियर भी मूव करेगा आगे की तरफ. ठीक है, वो बाकी अगर हम इसके बिल्कुल वाइस वर्सा जाएं तो पॉजिटिव रोटेशन में क्या होगा, द लोअर इंसाइजस हैव बीन थ्रस्टिंग इनटू द सॉफ्ट टिश्यू. कि द मैंडिबल इज लाइक दिस, इफ द मैंडिबल हैज मूव डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, तो पहले जो अपराइट हुए थे लोअर इंसाइजस, नाउ दे आर गोइंग प्रोक्लाइंड. ठीक है, जब वो प्रोक्लाइंड होंगे तो वो सॉफ्ट टिश्यू प्रेशर की तरफ ज्यादा जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस द लिप इन फ्रंट ऑफ द लोअर इंसाइजस विद द पॉजिटिव रोटेशन ऑफ द मैंडिबल, द लोअर इंसाइजस मूविंग डाउनवर्ड बैकवर्ड एंड थ्रस्टिंग एंड पुशिंग द लोअर इंसाइजस इन टू द लोअर लिप. सो विद द डाउनवर्ड बैकवर्ड रोटेशन ऑफ द मैंडिबल, द लोअर इंसाइजस आर थ्रस्टिंग एंड मोर इन कॉन्टेक्ट विद द लोअर लिप. विद द अपवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड नेगेटिव रोटेशन ऑफ द मैंडिबल, द लोअर इंसाइजस गेटिंग अपराइट. नेगेटिव रोटेशन में जो आप देखें मोलर की पोजीशन जो है वो आगे की तरफ आ गई. ठीक है, मैक्सिलरी प्लेन इज मूविंग अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, जो कि अपर इंसाइजस को प्रोक्लाइन करता चला जा रहा है, और आप खुद ही इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस तरीके के साथ जो है वो ओपन बाइट या डीप बाइट कैसे बनती है. अगर आप इसकी ओपन बाइट को समझें कि मैंडिबल इज मूविंग डाउनवर्ड फॉरवर्ड, इट इज ब्रिंगिंग द लोअर इंसाइजस बैकवर्ड एंड थ्रस्टिंग इन टू द लोअर लिप. अच्छा, इसमें ये याद रखिए कि लोअर इंसाइजस में चाहे पॉजिटिव रोटेशन हो चाहे नेगेटिव रोटेशन, दोनों सूरतों में क्राउडिंग होगी. कैसे दोनों सूरतों में क्राउडिंग होगी, कि पहले सिचुएशन में जो है वो मैंडिबल के जो इंसाइजस हैं विद नेगेटिव रोटेशन दे आर गेटिंग अपराइट, तो ये पीछे की तरफ जा रहे हैं तो क्राउडिंग के फॉर्म में जा रहे हैं. जब ये पॉजिटिव रोटेशन होगी डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड जा रहा है, तो दे आर थ्रस्टिंग मोर इनटू द लोअर लिप, तो इन बोथ सिचुएशन दे आर गेटिंग द क्राउडिंग.